18वां आलमी कुतुब मेला अपनी आबोताब के साथ जारी है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक्सपो सेंटर कराची में। यहाँ पे आज भी जो है वो आवाम की एक बड़ी तादाद जो है नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे आप स्टॉल्स देखें, सारे स्टॉल्स जो हैं उस पर आवाम की कसीर तादाद है, एक रश नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर स्टॉल्स की बात की जाए तो तकरीबन कोई 300 से ज़ायद जो है किताबों के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें मकामी, ना सिर्फ मकामी बल्कि बैन अल-अक़वामी 17 पब्लिक जो हैं वो पब्लिशर्स जो हैं अपनी अपनी किताबों को यहाँ पर मुख्तलिफ डिस्काउंट के साथ, शहरियों को खसूसी डिस्काउंट के साथ यहाँ पर जो है अपनी किताबें वो फ़रोख्त कर रहे हैं। आवाम की जो बड़ी तादाद है वो मुख्तलिफ मौजूआत की किताबों में दिलचस्पी लग रही दे रही है। कोई अदब की किताब में दिलचस्पी ले रहा है, कोई शायरी की किताब में दिलचस्पी ले रहा है, इस्लामी किताबों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर बच्चों की किताबों के लिए जो है वो मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस वक्त मौजूद हैं। एक बच्चों की किताबों के स्टॉल्स हैं जो जिन यहाँ पर मुख्तलिफ छोटे बच्चों के, और क्लास आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखा रहा है जहाँ पे छोटे बच्चों के लिए किताबें रखी गई हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ये स्टॉल के ऑनर। सर, क्या क्या लेकर आए हैं आप बच्चों के लिए, क्या क्या डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं शहरियों को इस एग्जीबिशन में? जी, पूरे इस हॉल के अंदर और बाकी हॉल्स के अंदर भी किताबें ही किताबें हैं। हमारे पास एक यूनिक चीज़ है, हम तरबियत का सिस्टम दे रहे हैं। और हम जिस तरह बच्चों के लिए इस वक्त मोबाइल फ़ोन एक मसला बन चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम बच्चों के लिए लर्निंग की ऐप्स डेवलप कर दी हैं। और सिर्फ वो तालीम की नहीं है बल्कि तरबियत की भी है। बच्चों को खाना कैसे खाना है, अजनबी से कैसे हिफाजत करनी है, अपनी सेहत को कैसे बेहतर बनाए, तमाम ऐप्स यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें एक नए किस्म की चीज़ देखने को मिल रही है कि पेरेंट्स अगर कह रहे हैं कि हमने घर पे पढ़ाना है, हमें उसका सिस्टम दें, तो हमारा होम स्कूलिंग का सिस्टम यहाँ मौजूद है जिसके ज़रिए बच्चे घर पर अपने वालदैन से ही पढ़ सकेंगे। जी, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, ऐसा ही है मुख्तलिफ हर उम्र का जो हर तबके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे हैं, बच्चे अपनी बच्चों के कार्टून्स वाली किताबों में दिलचस्पी ले रहे हैं, जबकि नौजवान हैं जो कि उमैरा अहमद के नावल हो गए या हाशिम नदीम के नावल्स हो गए उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। लोग शायरी की किताबों में दिलचस्पी ले रहे हैं, साथ साथ जो है दीनी किताबें भी यहाँ पर रखी गई हैं। इस वक्त मैं स्टॉल्स पे खड़ा हूँ, मेरे साथ स्टॉल के ऑनर खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन कौन सी किताबें जो हैं वो इस एग्जीबिशन में अब तक फरोख्त हुई हैं। सर, बताइएगा कौन कौन सी किताबें जो हैं सबसे ज़्यादा जिनकी डिमांड आ रही है शहरियों की जानिब से, उसके बारे में बताइए। जो ख़वातीन और बच्चियों की तरफ से डिमांड आ रही है वो तो आ रही है नावल अफसानों की, लेकिन बाकी जो रीडर है ना हमारा संजीदा कारी, वो ट्रांसलेशन को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और आबितियों को, जिसमें हमारे जर्नलों की आबितियाँ भी शामिल हैं, सियासतदानों की आबितियाँ शामिल हैं, और कुछ हमारे पास ट्रांसलेशंस हैं जो दुनिया के बड़े लीडर्स हैं उनकी हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ के हमने तर्जमे करवाए हुए हैं, इंडियन एक्टर्स के जो उनकी बायोग्राफीज़ ऑटोबायोग्राफीज़ हैं उनके तर्जमे हमने करवाए हुए हैं। तो किताब का रुझान दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है, कहने को तो ये कहा जाता है ये सदी किताबों की आखिरी सदी होगी, और ये नज़र भी आ रहा है क्योंकि इतना बड़ा बुक फेयर, इतने बड़े शहर की आबादी में इस तरह के बुक फेयर में तो हमें तो फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे हाल ये है कि जो खर्चे हम करते हैं, जो स्टॉल्स के किराए पे करते हैं, जो दूसरे शहरों से किताबें लेके आते हैं, हमारा तो यही होता है कि यार जो हमने खर्चे किए हमारे पास वही खर्चे पूरे हो जाएं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक ऐसे स्टॉल पर जहाँ पे इस्लामी किताबों का, दीनी किताबों का एक बड़ा ज़खीरा मौजूद है। यहाँ पर हदीस की किताबें भी मौजूद हैं, यहाँ पर अगर जो है वो शान मुस्तफ़ा भी रखी गई है, यहाँ पे नातों की किताबें भी रखी गई हैं, यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ मौजूआत पर, मुख्तलिफ मसाइल पर, इस्लामी मसाइल पर, शरई मसाइल पर किताबें मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो स्टॉल पे यहाँ पर ज़िम्मेदार हैं। सर, बताइएगा इस वक्त इस्लामी किताबों में सबसे ज़्यादा किन किताबों की डिमांड आ रही है, शहरी किन किताबों का मुतालबा कर रहा है? इस्लामी किताबों में अभी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की लेटेस्ट बुक आई है अहादीस के ऊपर, अलमौसुआतुल कादरिया, इस 8 जिल्दों पर मुश्तमिल ये किताब है, और इसकी कंप्लीट सेट जो आने वाला है इन फ्यूचर वो 60 जिल्दों पे मुश्तमिल होगा। अभी जो फर्स्ट रिलीज़ हुई है इसकी 8 जिल्दों पे मुश्तमिल है, और इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। जो जितने भी मदरसे और दीनी मकतब फ़िक्र से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी वो मकतब फ़िक्र से हों, लोग लाजमी जो हमारे स्टॉल पर आ रहे हैं वो इसकी जो है ना मालूमात कर रहे हैं और इसकी मुताला कर रहे हैं। उर्दू डिक्शनरी बोर्ड के साबिक मुदीर आला अकील अब्बास जाफ़ी साहब भी मुझे मिले हैं, उनसे जानते हैं कि ऐसी कौन सी किताबें उन्होंने यहाँ पर पाई हैं इस दफ़ा एग्जीबिशन में जो नॉर्मली दुकानों पर अवेलेबल नहीं होती। सर, कौन सी किताबें आपने देखी हैं यहाँ पर जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, और कितनी मुख्तलिफ जो है वो किताबें इस दफ़ा देख रहे हैं आप? मैं देखिए, जो नई किताबें हैं उमूमन वो तो आमतौर पर मिल ही जाती हैं हर जगह पर, लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी हैं जैसे महमूद शाम साहब की ख़ुद नवीर सवान उमरी शाम बखैर के नाम से आई है, और वो यहीं इसी किताब मेले में रिलीज़ हुई है, तो वो पहली दफ़ा मतलब यहाँ पर नज़र आई वो किताब।
और इस तरह की कई किताबें हैं जो इस ये लोग इंतज़ार करते हैं जो नाशरीन हैं हमारे कि जब ये बुक फेयर हो तो उस पर उस किताब को लॉन्च किया जाए। तो ऐसी कई किताबें यहाँ पे नज़र आती हैं हमको। और दूसरी बात ये कि कराची के जो नाशरीन हैं उनकी किताबें तो हमें नज़र आती रहती हैं, जो लाहौर के नाशरीन हैं उनकी किताबें यहाँ पर ज़रा मुश्किल से मिलती हैं। तो मसलन इल्म इरफान वाले आए यहाँ पर, संग मील वाले आए, और कई नाशरीन आए। अब मुस्तफ़ा ज़ैदी की कहानी एक किताब है मिर्ज़ा हामिद बेग की, तो वो भी यहाँ पे नज़र आई हमें इल्म इरफान के उस पर। तो इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं जो लाहौर की किताबें लाहौर में ही आमतौर पर मिलती हैं, यहाँ नहीं मिलती, तो वो हमें नज़र आई। फिर मेरी एक किताब है वो भी अभी इसी बुक फेयर के मौके पर रिलीज़ हुई है, मातूब किताबें के नाम से, जिसमें उन 140 किताबों का जिक्र है जो दुनिया के मुख्तलिफ अदवार में और मुख्तलिफ इलाक़ों में बैन हुई हैं। तो इस तरह की बहुत सारी किताबें यहाँ पर नज़र आई हैं। अच्छा, बैन की आपने बात की, तो यहाँ पर एग्जीबिशन में आपको कुछ ऐसी किताबें नज़र आई जिन पर नॉर्मली जो है वो पाबंदी लगी हो, जिन्होंने पाबंदी का सामना करना पड़ा हो, लेकिन यहाँ पर वो फ़रोख की जा रही हूँ? जी यहाँ पर अंग्रेज़ी की तो ऐसी बहुत सारी किताबों के तराजम जो हैं शाये हुए हैं और उनको यहाँ पर नज़र भी आई हैं। वो मतलब ये ग्रेप्स ऑफ रेत का तर्जुमा हुआ था इश्तियाल की फसल के नाम से, वो कराची से ही छपा है तर्जुमा, और उसको इस साल एकेडमी ऑफ लेटर्स ने अवार्ड भी दिया है बेस्ट ट्रांसलेशन का। तो इस तरह की कई किताबें हैं जो लोगों को मालूम नहीं है कि ये बैंड बुक्स का तर्जुमा है। कुछ किताबें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में बहुत सख्ती के साथ बैन है, वो तो पाकिस्तान में ज़ाहिर नहीं है दस्तयाब। सैटेनिक वर्सेज है या तस्लीमा नसरीन का नावल है लज्जा या और इस तरह की चीज़ें, तो वो तो ज़ाहिर नहीं मिलती जो मज़हबी बुनियादों की वजह से बैन हुई हैं, लेकिन जो समाजी बुनियादों पर बैन हुई हैं वो आमतौर पे मिल जाती हैं, क्योंकि वो जिन इलाक़ों में बैन है तो वो हालात पाकिस्तान के नहीं हैं, तो वो पाकिस्तान में वो किताबें जो हैं आसानी से दस्तयाब हैं। तकरीबन 25-30 किताबें ऐसी हैं जो मेरी किताब में जिनका अहवाल शामिल है और उनके तराजम जो हैं मुख्तलिफ किताब मेलों में या दुकानों पर नज़र आते रहते हैं। ये जो कुतुब मेला है, ये यकीनन 5 रोज़ा कुतुब मेला 18 दिसंबर तक जारी रहेगा।